महाभारत की कथा धारावाहिक 2 राजकुमारी विशेषांक कथा 3 कद्रु का छल। संदर्भ: शौनक जी ने उग्र श्रवा से आस्तिक ऋषि की कथा सुनाने का आग्रह किया। तब उग्र श्रवा जी ने सर्पों के जन्म की कथा के संदर्भ में कद्रु और विनता की कथा सुनाई। कद्रु का छल। सत्य युग में दक्ष नाम के एक प्रजापति थे। उनकी 2 बेटियां हुईं, कद्रु और विनता। दोनों ही देखने में बहुत सुंदर थीं। दोनों एक दूसरे की परम मित्र भी थीं। उन दोनों का विवाह कश्यप ऋषि के साथ हुआ था। कश्यप उन्हें बहुत प्रेम करते थे। एक दिन उनके व्यवहार से प्रसन्न होकर उन्होंने कहा, मेरी प्रिय पत्नियों, मैं तुम दोनों से अत्यधिक प्रसन्न हूँ। अपनी इच्छा से एक एक वर मांग लो। तब कद्रु ने अपने लिए 1000 तेजस्वी नागपुत्र मांगे। विनता ने कहा कि उसके केवल 2 पुत्र हों जो कद्रु के 1000 पुत्रों से हर प्रकार से श्रेष्ठ हों। इस प्रकार कद्रु ने 1000 और विनता ने 2 अंडे दिए। समय के साथ कद्रु के अंडे फूटे और 1000 तेजस्वी सर्प बाहर निकले, किंतु विनता के अंडे नहीं फूटे। विनता चिंतित रहने लगी। एक दिन उत्सुकतावश उसने एक अंडे को फोड़ दिया। तब उसमें का शिशु आधा ही विकसित हो सका था। उस नवजात शिशु ने विनता को शाप देते हुए कहा कि तुमने लोभ के कारण आधे शिशु को ही बाहर निकाल दिया, इस कारण तू दासी बनकर रहेगी। यदि तुमने दूसरे अंडे को नहीं फोड़ा तो उसमें से निकलने वाला बच्चा ही तुम्हें इस शाप से मुक्ति दिलाएगा। यह कहकर शिशु आकाश में उड़ गया। विनता को बहुत दुख हुआ और वह दूसरे अंडे से बच्चा निकलने की प्रतीक्षा करने लगी। इस प्रकार धीरे धीरे समय बीतने लगा। एक दिन की बात है, वे दोनों बहनें एक बाग में टहल रही थीं। उन्होंने उच्चश्रवा नामक एक घोड़े को आकाश में देखा। दूर से वह दिव्य घोड़ा बहुत ही सुंदर दिख रहा था। उसका रंग कैसा था, इस बात पर दोनों बहनों में विवाद छिड़ गया। विनता के अनुसार घोड़ा सफेद रंग का था, जबकि कद्रु का कहना था कि उसकी पूंछ काली थी। बात इतनी बढ़ गई कि उनमें इस बात पर शर्त लग गई। शर्त यह लगी कि जो हारेगी उसे दूसरे की दासी बनकर रहना पड़ेगा। कद्रु ने अपने पुत्रों से शर्त की बात बताई और कहा कि कल इस शर्त का फैसला होगा, इसलिए वे लोग जाकर उच्चश्रवा की पूंछ से लिपट जाएं, जिससे उसकी पूंछ काली दिखे। सर्पों ने ऐसा ही किया और विनता शर्त हार गई। तब वह कद्रु की दासी बनकर रहने लगी। इस बीच उसका अंडा बढ़ता रहा और कई वर्षों के बाद उसके दिए अंडे से एक बहुत ही विशाल पक्षी ने जन्म लिया। उनका नाम गरुड़ पड़ा। जन्म से ही उन्हें माता की आज्ञा से कद्रु और उनके 1000 बेटों का दास बनकर रहना पड़ा। बार बार उन्हें सर्पों को अपनी पीठ पर उठाकर एक जगह से दूसरी जगह ले जाना पड़ता था। उनकी सेवा करनी पड़ती थी, उनके लिए खाने पीने की व्यवस्था करनी पड़ती थी। परेशान होकर एक दिन गरुड़ ने अपनी माता से इसका कारण पूछा। विनता ने सारी कहानी बताकर कहा, बेटा, इन सर्पों के छल के कारण मैं शर्त हार गई और कद्रु की दासी बन गई। तब गरुड़ ने प्रतिज्ञा लेकर कहा, माता, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें इससे छुटकारा दिलाऊंगा। इसके बाद गरुड़ सर्पों के पास गए और बोले, सर्पगण, आप बताएं आपको किस चीज की आवश्यकता है। सर्पों को उस समय बहुत डर था। उनके काटने से लोगों की मृत्यु हो जाती थी। लोग उन्हें किसी न किसी प्रकार मार डालना चाहते थे। फिर जिन सर्पों ने अपनी माता कद्रु की बात न मानी थी
और उच्चैःश्रवः की पूँछ ढकने नहीं गए थे, उन्हें कद्रू ने शाप दे दिया था कि वे जनमेजय के यज्ञ की अग्नि में गिरकर भस्म हो जाएंगे। इस प्रकार सर्पों ने विचार किया कि यदि उन्हें अमृत मिल जाए तो वे अमर हो जाएंगे और तब उन्हें कोई नहीं मार पाएगा। ऐसा विचार कर सर्पों ने गरुड़ से कहा, देवताओं के पास अमृत है, तुम हमें वो ला करके दे दो ताकि हम अमर हो जाएं। गरुड़ ने प्रसन्न होते हुए कहा, मैं एक शर्त पर अमृत ला सकता हूं। सर्पों ने प्रसन्न होकर कहा, हमें कोई भी शर्त मंजूर है यदि तुम अमृत ला दो। तब गरुड़ ने कहा, तो सुनिए, मैं आप लोगों को अमृत लाकर दूंगा और तब मैं और मेरी माता आपके दासत्व से मुक्त हो जाएंगे। सर्प तैयार हो गए। तब गरुड़ अपनी माता विनता से आज्ञा लेकर अमृत की खोज में स्वर्ग की ओर चल पड़े। उनका बड़ा आकार और पंखों के चलने से बनी हवा से पेड़ पौधे टूटने लगे, पहाड़ हिलने लगे। स्वर्ग के राजा इंद्र को यह पता चला तो वे अत्यधिक चिंतित हो गए। बृहस्पति के पास जाकर बोले कि यह कैसा अनर्थ हो रहा है, आप कोई मार्ग बताइए। बृहस्पति ने गरुड़ की कहानी बताकर कहा कि वह अमृत लेने आ रहा है। यह जानकर इंद्र ने अमृत की रक्षा करने वाले रक्षकों को बुलाकर कहा, देखो परम पराक्रमी पक्षीराज गरुड़ अमृत लेने आ रहा है, तुम लोग इसकी रक्षा करो, उसे किसी प्रकार इसे न ले जाने दो। देवताओं ने भी पूरी तैयारी कर ली। फिर देवताओं एवं गरुड़ के मध्य भीषण युद्ध हुआ। इसी दौरान गरुड़ ने अपने पंखों से इतनी हवा उड़ा दी कि देवताओं को कुछ भी दिखाई न देने लगा। इसी का लाभ उठाकर गरुड़ ने अमृत का घड़ा अपने पंजों में उठा लिया और उड़ गए। सर्पों के पास आते समय रास्ते में उन्हें विष्णु भगवान मिले। वे उनके पराक्रम से बहुत प्रभावित थे। जब उन्हें पता चला कि गरुड़ के मन में अमृत पीने का लोभ नहीं है, तब उन्होंने कहा, गरुड़ तुमसे मैं बहुत प्रसन्न हूं, मांगो, क्या वर मांगते हो। गरुड़ ने प्रणाम करके उनसे कहा, प्रभु आप मुझे अपनी ध्वजा में रखिए, दूसरे मैं बिना अमृत पिए ही अमर हो जाऊं। विष्णु ने कहा, ऐसा ही हो। तब तक इंद्र को भी पता चल गया था कि गरुड़ अमृत का घड़ा लेकर जा चुके हैं। वे बड़े क्रोधित हो गए। उन्होंने अपने अमोघ अस्त्र वज्र से उन पर प्रहार किया, लेकिन गरुड़ पर इसका कोई असर न हुआ। तब इंद्र ने उनसे मित्रता की बात की। गरुड़ ने उनकी मित्रता स्वीकार कर ली। इंद्र ने उनसे कहा, मित्र तुम्हें अमृत की कोई आवश्यकता नहीं है और जिनके लिए इसे ले जा रहे हो वे इसके हकदार नहीं हैं। ऐसे में इसे क्यों ले जा रहे हो। गरुड़ ने अपनी माता की कहानी सुनाकर कहा कि वे अपनी माता को दासत्व से छुटकारा दिलाने के लिए ही ऐसा कर रहे हैं। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि वे इसे किसी को पिलाने के लिए नहीं जा रहे हैं। उन्होंने इंद्र को युक्ति बताते हुए कहा कि इसे मैं जैसे ही रखूं, आप अवसर देखकर उठा लीजिए। इंद्र ने प्रसन्न होकर गरुड़ को एक वर मांगने के लिए कहा। गरुड़ ने कहा कि मैं जिनके लिए यह अमृत ले जा रहा हूं वे ही मेरे भोजन बने। देवराज इंद्र ने उन्हें यह वर दे दिया। गरुड़ अमृत लेकर सर्पों के पास पहुंचे और बोले, ये लो मैं अमृत ले आया, लेकिन तुम लोग नहा धोकर और शुद्ध होकर ही इसे पीना। साथ ही अब मैं और मेरी माता दासीपन से छूट गए। यह सुनकर सर्प प्रसन्न हो गए और नहाने चले गए। इंद्र ने अवसर देखकर अमृत का पात्र उठा लिया और स्वर्ग चले गए। जब सर्पगण आए तो उन्हें अमृत न मिला। वे समझ गए कि उनकी करनी का फल उन्हें मिल गया था। कहते हैं कि लोभ एवं छल का दंड अवश्य मिलता है।